दोस्तों, कहने को तो राम एक छोटा सा शब्द है, परंतु राम का नाम तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। इतना ही नहीं, राम का नाम तो कलयुग में जीवन का उद्धार करने वाला शब्द है। इसके अलावा राम शब्द सुनते ही हमें अयोध्या नजर आती है, जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं, जिसमें से भगवान श्री राम सातवें अवतार माने गए हैं। इसके अलावा राम अवतार को भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मात्र पितृभक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्ष तक का वनवास काटा। कहते हैं वनवास के समय भगवान राम की आयु सिर्फ 27 साल की थी। वहीं नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता की जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वे बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बने। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक का भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य भी किया तथा उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों तथा दैत्यों के आतंक से मुक्त किया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासियों, जनजातियों, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की जातियों ने भगवान राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी मानवीय रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए।